अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खान एनसीपी मोटर्स यूसुफ आका और आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ और एक नए एपिसोड के साथ है। तो दोस्तों आज गाड़ी का मैक मॉडल वेरिएंट बताने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आपको मेरे जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के। अच्छा दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो गाड़ी लाया हूं बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत कंडीशन की गाड़ी लाया हूं जो कि नॉन कस्टम पेड में भी बहुत कम आती है। तो आज गाड़ी जो है मैक मॉडल आप लोगों को बताता हूं। चलो आज गाड़ी जो है जापान की मैन्युफैक्चर है, टोयोटा कंपनी की है, लैंड क्रूजर ZX। अच्छा इसमें VX सादी V8 भी आती है, VXR भी आती है, GXR भी आती है, लेकिन ये गाड़ी जो है ZX है। ZX जो है वो फुली लोडेड आती है। आज गाड़ी जो है 2013 मॉडल का लैंड क्रूजर ZX जो कि 14 तक जो है ना इस शेप में है, 2008 9 10 11 12 13 14 तक इस शेप में, 15 से बाद जो है फिर शेप चेंज हो जाता है, नया शेप आ जाता है। तो आज गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रेश, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल जीरो कंडीशन की गाड़ी है, लैंड क्रूजर ZX V8 जिसमें 4700 cc। इसमें इंजन है ऑटोमेटिक, सनरूफ, हाइट कंट्रोल वगैरह सब कुछ इस गाड़ी में, कूल बॉक्स वगैरह जो कि ZX। ये फुली लोडेड, ये सादी नहीं है, ना ये सादा V8 है, ना सादी ये GXR, ये फुली लोडेड है जिसमें हाइट कंट्रोल भी है, सनरूफ भी है और कूल बॉक्स भी है। बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन की जो आज गाड़ी आप लोगों के लिए लाया हूं और बहुत ही कम ये चली हुई है, बहुत ही कम चली हुई, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ये 14,000 किलोमीटर चली हुई। तो गाड़ी से आप खुद गाड़ी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी फ्रेश। जैसे कि हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक चीज़ अलग अलग, तो स्टार्ट करते हैं बॉडी के हवाले से। अच्छा आज गाड़ी का जो बॉडी है बम्पर टू बम्पर है, टोटल गाड़ी में कोई एक इंच भी टच अपनी है, एक इंच भी कलर नहीं है, टोटली अपनी जीनियन कंडीशन में है, ना इसका फेसलिफ्ट हुआ है, ना इसका कोई शेप चेंज हुआ, अपनी ओरिजिनल जीनियन शेप में जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही सोबर शेप है। इसका फ्रंट लाइट्स वगैरह देख सकते हैं, अपने फ्रंट जाली देख सकते हैं, फ्रंट बम्पर अपनी जीनियन हालत में, सिर्फ और सिर्फ ये 14,000 किलोमीटर चली हो तो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है गाड़ी। आप देख सकते हैं सिंगल स्क्रेचेस में नहीं है, टोटल गाड़ी में कोई सिंगल स्क्रेच नहीं, इसके ना साइड में कोई स्क्रेच है, बम्पर प्यारा, इसका अपना ओरिजिनल बम्पर है बहुत ही प्यारे, इसमें खूबसूरत फॉग लाइट, इसके फ्रंट लाइट जो है बहुत ही प्यारे, इसका बहुत ही सोबर लुक है। इस शेप की जो गाड़ी इसका लुक जो है बहुत ही प्यारा और बहुत ही सोबर है। इसमें जो रिम लगे हुए भी वो भी अपने ओरिजिनल रिम इसमें लगे हुए, अपने ओरिजिनल रिम इसमें लगे हुए जो कि VVIP कंडीशन में और बहुत ही प्यारे इसमें लगते हैं अपनी जीनियन कंडीशन में। जब ये गाड़ी होती है तो बहुत ही मज़ा होता है और बहुत ही कीमती होती है और बहुत ही एक एंटीक पीस इस तरह गाड़ियाँ होती है जो कि बहुत लोग पसंद करते हैं। तो बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन में आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टोटल चाहे बॉनट हो, चाहे लाइट्स हो, चाहे फ्रंट जाली वगैरह हो, चाहे इसके रिम, टोटल अपने ओरिजिनल हालत में है, कोई फेसलिफ्ट वगैरह नहीं, प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन में है। बैक साइड की तरफ चलते हैं, बैक साइड के इसके जो बैक लाइट है, बैक बम्पर वगैरह वो भी टोटली अपनी जीनियन कंडीशन में और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सोबर लुक के साथ है। अब नए 2018 की जो है 15 के बाद जो है वो फिर चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें जो है ये अपने ओरिजिनल कंडीशन के जो कि जीनियन कंपनीज इसमें आए हुए हैं उसी कंडीशन में है ZX की। अच्छा बैक बम्पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बैक बम्पर है, उसमें ब्रेक लाइट है और बिल्कुल नीचे है और बड़े ज़बरदस्त का जो एग्जॉस्ट होता है वो सिंगल एग्जॉस्ट होता है, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त साउंड इसका होता है। V8 ZX भी लंबे चौड़ा कुछ नहीं लिखा होता है, अक्सर V8ों पर जो है ना ये GXR-ों पे भी लोगों ने ZX लगा होता है, लिखा होता है, लेकिन उससे ZX नहीं बन जाती। ZX में कुछ ऑप्शन होते हैं जैसे कि हाइट कंट्रोल आता है, सनरूफ आती है, उसमें कूल बॉक्स आता है। तो आज गाड़ी जो है वो ZX, इसमें सनरूफ भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन की गाड़ी है। अच्छा इसका रूफ आप देख सकते हैं, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कोई पेंट नहीं, कोई ऐसा ख़राब तक ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, सिर्फ 14,000 किलोमीटर चली हुई। अब 14,000 तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी प्यारी गाड़ी होगी। ये गाड़ी के इस गाड़ी के साथ ऑक्शन शीट भी है, खैर ऑक्शन शीट बाद की बात है। इंटीरियर की तरफ चलती है, इंटीरियर में बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त में बेज यूज़ हुआ है अपनी हालत में है, मल्टी मीडिया ब्राउन कलर्स का टोटल डैशबोर्ड, ब्राउन और येलो कलर्स का डैशबोर्ड, इसके सीट्स, इसके चेक कुशन वगैरह टोटली वो येलो कलर के जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत, बहुत ही प्यारा इसमें बेज यूज़ हुआ है। आप गियर वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा इसमें जो इसकी जो सीट्स, ये लेदर सीट जो कि करंट कंट्रोल है, जो हीटेड कंट्रोल भी है, आज गाड़ी में क्रूज, रडार, सेंसर्स वगैरह जो भी ऑप्शन आते हैं वो इस गाड़ी में है। चाहे इसके मिसाल हाइट कंट्रोल भी है इस गाड़ी में, इसमें कूल बॉक्स जो जिसे फ्रिज कहते हैं वो भी है, लेदर भी यूज़ हुआ है, हर ऑप्शन है, सेंसर्स वगैरह बिल्कुल प्यारे और ज़बरदस्त कंडीशन में। गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में पड़ा हुआ है, रूफ बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन का। इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं डार्क मेटेलिक कलर कह सकते हो या ब्लैक कलर कह सकते हो, और बहुत ही येलो कलर जबरदस्त बेज यूज हुआ है, बिल्कुल प्यारे कंडीशन में, कोई खराब नहीं हुआ है, अपने ओरिजिनल और जीनियन कंडीशन में। रूफ भी इसका बिल्कुल साफ सुथरा येलो कंडीशन में, जैसे जिसके सीट्स वगैरह चाहे इसका डैशबोर्ड है वो टोटली इसी तरह, इसका जो रूफ और पिलर है वो भी येलो कलर की और बिल्कुल साफ सुथरा है। इसका सनरूफ आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल वर्किंग में है और बिल्कुल ओके कंडीशन में, कोई काम नहीं है, रूफ बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में जिसकी बिल्कुल नहीं है। अच्छा सीट बेल्ट आप लोग देख सकते हैं, 2013 मॉडल की ये गाड़ी है, ना ये 8 है, ना 10 है, ना 12, ये 2013 मॉडल, इसके साथ ऑक्शन शीट भी है, 5
ग्रेड की ये गाड़ी है, बहुत कम गाड़ी आती है जो कि 5 ग्रेड की होती है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होती है और एक्शन शीट भी इसके साथ है। अच्छा, इसके इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन इसमें 4700 cc इसमें इंजन है और आप देख सकते हैं कि किस कंडीशन की इंजन इसमें पड़ी, VVIP कंडीशन की। अभी तक ये तो प्लास्टिक वगैरह तो वैसे लगाया हुआ है, लेकिन इसके इंजन का कंडीशन प्लास्टिक के बंदा बोल सकते हैं कि यार इस पे बंदा प्लास्टिक लगा, क्यों इतनी फ्रेश है। हर एक पाइप, हर एक नट बिल्कुल चमक रहा है, आप देख सकते हैं हर एक पाइप वगैरह जो है इसका बिल्कुल चमकीला है। इस पे जो ऑयल वगैरह है वो अभी तक जो है ना ओरिजिनल जीनियन इसमें पड़ा हुआ है। तो आज की गाड़ी का आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट, आप लोगों ने एक एक चीज़ अलग अलग से देख लिया। 1400 किलोमीटर ये चली हुई है, 2013 मॉडल का लैंड क्रूजर ZX है। न कि ये रूफ कट है, न पंचे साबित गाड़ी है, टेम्पर्ड भी नहीं है और रूफ कट भी नहीं है, साबित है, नॉन कस्टम पेड 2013 मॉडल का लैंड क्रूजर है। गाड़ी का प्राइस आप लोगों को पता था, वो चलो आज की ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी 1,20,00,000 रुपये में आप लोगों को ये मिलेगी, जो कि नॉन कस्टम पेड है, 5 ग्रेड की, जिसमें किसके साथ ऑक्शन शीट भी है, टोटल जीनियन कंडीशन में, बम्पर टू बम्पर है, बिल्कुल गाड़ी में कोई काम नहीं है, कोई 1 रुपये का भी काम नहीं है, ना 1 इंच इसमें कलर है। गाड़ी कहाँ पे कड़ी, अफगानिस्तान बॉर्डर पे कड़ी। तो जिस भी भाई को चाहिए थी उसको ये गाड़ी मिल सकती है, अपनी जीनियन कंडीशन में है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, ऑक्शन के लिए, बॉडी चेंज के लिए गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है। 2013 मॉडल की लैंड क्रूजर ZX जो कि ऑक्शन शीट के साथ है, 5 ग्रेड की ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1,20,00,000 रुपये में। अगर ये कस्टम पेड होती, इस कंडीशन की गाड़ी होती, तो कम से कम उसका प्राइस 3 करोड़ से ऊपर होता, कम से कम उसका प्राइस 3 करोड़ से ऊपर होता, जो कि कड़ी है, क्वेटा में भी कड़ी है, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 3.40 करोड़ के प्राइसेस होते। अगर इस कंडीशन में होती तो 3 करोड़ से ऊपर होती, तो ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1,20,00,000 रुपए में। जिस भी बाइक आपको ये गाड़ी चाहिए तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, आप लोगों को मैं एक एक चीज अलग अलग बता दूंगा। डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी प्रोसीजर अवेलेबल है। जिस भी बाइक को चाहिए थी वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर ले, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी की अपने चार्जेस है, कोई कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऐसा सीन नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ अपने भाई को इजाजत दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।